नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में विधायक प्रतिनिधि घनश्याम पटेल की हत्या का खुलासा। 11 दिन बाद खुला कत्ल का राज, सभी आरोपी पकड़े। गड़ी मरहरा थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ी अंतर्गत 16-17 फरवरी के दरमियानी रात हुई क्षेत्रीय विधायक नीरज दीक्षित के प्रतिनिधि घनश्याम पटेल की हत्या का खुलासा 11 दिनों के बाद पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 3 सगे भाई हैं, जबकि 4 उनके दोस्त हैं। भाइयों ने एक साल पहले हुई बुराई के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 16 फरवरी की रात हमेशा की तरह घनश्याम पटेल घर से अपने गड़ी स्थित खेत पर सोने के लिए गया था। लगभग 55 साल के घनश्याम पटेल को रात के समय धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया गया था। सुबह घनश्याम के पुत्र रविंद्र ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने इस मामले में घनश्याम के पड़ोसी मिथिलेश श्रीवास, तनय हरिश्चंद श्रीवास, उसके भाई अशोक श्रीवास, रघुराज श्रीवास, साथ ही पुरुषोत्तम कुशवा गड़ी मरहरा, धर्मेंद्र आठ्या, मंगल प्रसाद आठ्या ग्राम जिन्ना दमो एवं मंगल सिंह लोधी ग्राम चंद्रपुरा दमो को गिरफ्तार कर उनसे हत्या में प्रयुक्त हुआ हथियार धारदार हथियार छुरा रॉड एवं लाठी बरामद कर ली है। हमलावरों से घनश्याम का मोबाइल एवं वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। खुलासा में गड़ी मरहरा थाना प्रभारी रवि उपाध्याय, एएसआई हरदेव सिंह, श्यामलाल अहिरवार, धनप्रसाद, देवराज सिंह, रामोतवार चौरसिया, रामदास अहिरवार सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मियों एवं साइबर सेल की अहम भूमिका रही। अज्ञात आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ सोनू गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या सर, हत्या की क्या वजह थी सर? क्या हत्या की वजह? इसमें जो मुख्य आरोपी है उसके साथ इनका पुराना विवाद है और आए दिन इनके झगड़े होते रहते थे। पिछले लगभग 2-2.5 महीने से ये योजना बना रहे थे किस प्रकार से इस हत्या को अंजाम दिया जाए। इसमें 7 आरोपी गिरफ्तार किए।